दोस्तों मैं याद दिला दूं कि पिछले एक वीडियो में मैंने एक एक्सरे का जिक्र किया था, एक एक्सरे का एनालिसिस करके बताया था कि हाँ, यह 70 वर्ष के व्यक्ति का है, इनका ग्रीस का कमी हो गई है, घुटने में गैप की कमी हो गई है, जिस कारण इनको चलने में प्रॉब्लम होता है। आज वह दौड़ रहे हैं, इसका सबूत आपके सामने है। आज संजोग से मैं बेंगलोर के एरिया में था और उन्होंने कॉल किया, मैं उनके घर पहुंचा और उनके कुटिया में जहां वो रहते हैं, क्योंकि वो साधु महात्मा है, 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, फिर भी अकेला व्यक्ति अगर वह पूरा सेटअप करके और सभी एक्सरसाइज करके मुझे दिखाया और बताया कि मुझे 99% ठीक हो चुका है, मैं सिर्फ इस इंतजार में हूँ कि मैं 100% ठीक होकर आपको सरप्राइज दूं। दोस्तों, अगर आप अभी भी एक्सरसाइज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप बहुत देर कर रहे हैं। दोस्तों, आज ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें और 15 से 20 दिन में आप क्या चेंजेस आते हैं आपके घुटने में वह जरूर बताएं। यह एक्सरसाइज किसी भी तरह से आपको आपके घुटने को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाएगा, जहां तक होगा आपको बेनिफिट ही देगा। इसलिए मैं तो जरूर कहूंगा कि अगर एक 70 वर्षीय व्यक्ति अगर कर सकता है तो आप क्यों नहीं। पैर बिल्कुल सीधा, हाँ हाँ ये पंजा अपने तरफ, लगभग 3.5 kg के आसपास बालू का सैंड बैग बनाया हुआ है और इसे अपने पैरों पर लटकाकर ऊंचा टेबल हो, कुर्सी हो, ऊंचा करके बैठेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से पैर सीधा करके कम से कम 100 तक काउंट करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। शुरू में आप 1.5 kg, 2 kg का भी वेट दे सकते हैं। जब 1 महीना कर लेते हैं तो फिर आप 3 kg, 3.5 kg का भी वेट दे सकते हैं। कुछ सेकंड तक रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से करेंगे। यह करने के लिए कम से कम 10 से 15 बार हमें यह जी जरूर करना है, पर डे के हिसाब से। हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, गैप की कितना कमी है उसके हिसाब से इसमें मजबूती लाने के लिए यह एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि आप बॉटल में पानी भर लें, 2 बॉटल में पानी भर लें, 15 दिन 20 दिन अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद फिर 4 बॉटल में पानी भर के आप 3.5 kg के आसपास आप अपने बॉटल से पानी से, ये इजी है, ये इजी है, बालू एक बार भरवा लिए। ये दोनों थैला में लगभग 3.5 kg ना, 3.5 kg के आसपास बालू है। गुड, यहाँ पे तौलिया रख लिए हैं, यहाँ पर चूंकि गैप की जो कमी है वो यहाँ पर से ओपन होना शुरू होगा। इसे कम से कम 5 मिनट तक रखना है पैरों पे और करवट लेट के रखना है। अगर दर्द होता है तो पैर सीधा कर लेना, दर्द खत्म। इस तरह से हमें स्ट्रेच देना। 10 मिनट रखा जाएगा, नहीं 5 मिनट ही रखें, 5 मिनट ही काफी होता है। दर्द अगर ज्यादा होता ना, दर्द अगर ज्यादा होता जो होगा मैं बताऊं। जितना ऊंचा जा सके और जितना नीचे आ सके। गुड, थक जाए तो रेस्ट कर ले। इस पैर को बिल्कुल नीचे कर लेना है, हाँ उठाना है थोड़ा सा और फिर अपने बाएं तरफ जितना दूर ले जा सकते हैं उतना दूर ले जाना। देखिए, और थोड़ा सा नीचे कर लें, हाँ ये इसी पोजीशन में उठाना है। हाँ अब उधर दीवार की तरफ जितना दूर ले जा सकें ले जाए। गुड गुड
गुड गुड सही चल रहा हूँ बिल्कुल 25 times 25 बार यहाँ पर रख कर रेस्ट भी कर सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो अगर नहीं दिक्कत होता है तो ये घुटना को सीधा यानी कि इतना पर रहेगा ठीक है ये 90 डिग्री हो गया ये ऐसे ऐसे है ना बिल्कुल ये रहेगा अब ये जो है ये उठाइए आप जितना देर जितना ऊंचा उठा सकते हैं गुड 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 हाँ हाँ जितना उठा सकते हैं गुड 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 अपने पंजों को अपने तरफ खींचे रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेच जा रहा है ना हाँ रोके रखना है 25 तक काउंट करना है 50 कर देंगे हाँ ठीक है ठीक है टॉवल यहाँ पर लगाया हुआ है और उसके बाद अपने हाथों से पकड़े हुए हैं हाँ बिल्कुल सही है जितना नीचे दब सकता है उतना दबाना है ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा इसके दबने से थोड़ा सा यहाँ पर दर्द हो सकता है घुटने में तो दर्द नहीं होना चाहिए घुटने में दर्द नहीं हो रहा है हाँ दोस्तों एक्सरसाइज में सभी एक्सरसाइज उन्होंने करके दिखाया और सभी का सभी एक्सरसाइज उन्होंने सही तरीके से कर रहे थे सिर्फ मेरा वीडियो उन्होंने मोबाइल पे देखा था और आज वह अपने घुटने को 99% ठीक कर चुके हैं सिर्फ थोड़ा सा दर्द है मैं एक्सरे उनका जो है वो मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको जो इस तरह से आप देख रहे हैं इनकी बायां घुटने में गैप की कमी आ गई है इसके बाद इसके अंदर जो कार्टिलेज होता है जो ग्रीस होता है वह कम हो चुका था इन्हें चलने में प्रॉब्लम था लेकिन आज एक महीना पूरे 31 दिन उन्होंने किया है 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक उन्होंने एक्सरसाइज किया है आज मैं संजोग से उनके घर पहुंच गया और मैं देखा और उनसे जब समझा तो वो देख के हैरान हो गए उनके घर में एक बड़ा सा बेंच नहीं है बहुत बड़ा सा टेबल नहीं है उन्होंने चौकी के ऊपर एक टेबल रखा उसके ऊपर रख करके अपने एक सैंड बैग बनाया जो लगभग 3 से 3.5 kg का होता है वो उन्होंने बनवाया उसके बाद जो एक्सरसाइज किए वह देखकर मुझे भी लगा कि अगर यह व्यक्ति कर सकता है तो आप क्यों नहीं दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हेल्थ के किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नी पेन एक्सरसाइज पे बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपका कौन सा प्रॉब्लम है और किस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं आप उस हिसाब से अपने एक्सरसाइज को करके अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक पे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत